हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कढ़ाई वाला ब्लाउज बताऊंगी कैसे बनाते हैं अस्तर का। ये हमने अस्तर ले लिया है, अस्तर हमने डबल फोल्ड में कर लिया है। हम इसकी लंबाई नापेंगे, लंबाई हमारी है 12 इंच, तो हम 13 इंची पर निशान लगाएंगे, 1 इंची मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे और 6 इंची पर हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। प्लेट का निशान लगा दिया है। गला हमारा 3.5 इंची है और लंबाई है हमारी 4 इंची। दोनों निशानों को मिला देंगे। अब 4 फोल्ड में कपड़ा कर लिया है। डेढ़ इंची की हमने गहराई ले ली है आर्म होल के लिए। अब हम इसको कट कर देंगे। ये हमने अस्तर कट कर दिया है। अब हम इसको अलग अलग करेंगे अस्तर को। ये हमारा पीछे का पल्ला है, हमने पीछे के पल्ले का गला कट कर दिया है। ये हमारा आगे का पल्ला है। हम आगे के पल्ले में प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। हमने 4 इंची पर निशान लगा लिया है और दोनों निशानों को मिलाते हुए हम 9 इंची पर निशान लगाएंगे। बीच सेंटर पे हमने 1.5 इंची की प्लेट के लिए निशान लगाएंगे। हमने गुलाई दे दी है बीच सेंटर में। आगे का पल्ला है डबल फोल्ड में कर लिया है। सही से बिठाते हुए गले को सेट करेंगे। और हम इस पे अस्तर रख के कट कर देंगे। ये हमारा आगे का पल्ला कट हो चुका है। पीछे का पल्ला भी सेट कर लिया है। पीछे पल्ले को भी कट करेंगे। हमारा ब्लाउज कट चुका है दोनों पल्ले। अब हमने आर्म होल के लिए हम क्रॉस पट्टी कट करेंगे। ये हमारी क्रॉस पट्टी कट हो चुकी है। ये हमारा पूरा ब्लाउज कट के तैयार हो चुका है। अब हम इसको सिलेंगे। ये हमारा आगे का पल्ला है और हम इसको सेट करेंगे। सेट करते हुए अस्तर लगाएंगे इस पर। हम ये उल्टे पे अस्तर लगाएंगे। ये हमारा गला है, हम इस गले को कट करेंगे। छोटे छोटे कट लगाएंगे इसमें गुलाई के लिए। अब हम नीचे सिलाई लगाएंगे फोल्ड के लिए। हमारी नीचे सिलाई लग चुकी है, हम उसे सीधा करेंगे। सीधा करते हुए जो हमारी ये मार्जिन है अस्तर का, उसे हम पलट देंगे अस्तर की तरफ और पूरे अस्तर पे हम सिलाई लगा देंगे सही से बिठाते हुए। Thank you.
ये हमारी सिलाई लग चुकी है। और इसमें साइड सिलाई लगाएंगे कच्ची। हमने ये कच्ची सिलाई लगा दी है। ऐसी सिलाई हमें दूसरी साइड भी लगानी है। हमारी दोनों सिलाई लग चुकी हैं साइड। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। प्लेट को हम थोड़ा गहरा करेंगे। हम इसमें दूसरी साइड भी छपा देंगे प्लेट को। ये हमारी दूसरी साइड हल्की हल्की छप गई हैं प्लेटें। हम इसको गहरा करेंगे। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। प्लेट हमें नीचे से चौड़ी ऊपर से पतली धीरे धीरे करते हुए हम पूरे ब्लाउज में प्लेट डाल देंगे। ऐसे हम इस साइड भी प्लेट डालेंगे, दूसरी साइड जवाबी। हमारे पूरे ब्लाउज में प्लेट पड़ चुकी हैं। हम अभी सेंटर की प्लेट डालेंगे। अब हम पीछे का पल्ला तैयार करेंगे। हमने सही से बिठा लिया है पल्ले को दोनों को। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे एक पैर की नीचे की साइड फोल्ड के लिए। ये हमारी नीचे की साइड सिलाई लग चुकी है। अब हम मार्जिन प्लट देंगे, अस्तल पे सिलाई लगाएंगे मार्जिन प्लटते हुए एक पैर की। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें गले के लिए सिलाई लगाएंगे। ये हमारा गले के लिए सिलाई लग चुकी है। हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे, गोल शेप हो जाएगी इसलिए। हम इसको सीधा कर देंगे। सीधा करते हुए हम इसमें कच्ची सिलाई लगाएंगे। ऐसी हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। हमारी दोनों साइड सिलाई लग चुकी हैं। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे बैक वाली। ये हमारी प्लेट पड़ चुकी हैं। अब हमारे दोनों पल्ले तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे कंधी की उल्टा करते हुए दोनों पल्ले को। सही से टांकी लगा देंगे हम इसमें। ऐसे हम दूसरी साइड भी लगाएंगे सिलाई। हमारी दोनों साइड सिलाई लग चुकी हैं। अब इसमें आर्म होल आगे के लिए गहराई देंगे। ऐसे हम दूसरी साइड भी कट करेंगे आर्म होल गहराई। हमने ये क्रॉस पट्टी ली है। क्रॉस पट्टी को हम डबल फोल्ड में कर लेंगे और हम इस पे अटैच कर देंगे एक पैर के मार्जिन लेते हुए।
ये हमने क्रॉस पट्टी अटैच कर दी है, क्रॉस पट्टी है अस्तल वाली। हम इसको पलटते हुए पूरे पे सिलाई लगाएंगे, कच्ची सिलाई। ये हमारी कच्ची सिलाई लग चुकी है क्रॉस पट्टी पे। अब हम इसको पलट लेंगे, पलटते हुए हम इसको अंदर को फोल्ड करेंगे पूरी क्रॉस पट्टी को, और हम एक पैर की सिलाई लगा देंगे इसमें। ये हमारी क्रॉस पट्टी लग के तैयार हो चुकी है, देखिए आर्म होल पे। अब हम ऐसे ही दूसरी साइड भी लगाएंगे। हमारी दोनों साइड क्रॉस पट्टी लग चुकी है आर्म होल पे। अब हम इसमें बैक में भी सेंटर पे निशान लगाएंगे फिटिंग के लिए, भी सेंटर में बिठाते हुए हम निशान लगाएंगे फिटिंग का। अगर फिटिंग आप इस तरह से लगाओगे परफेक्ट एकदम बैठेगा ब्लाउज। ऐसी दूसरी साइड भी निशान लगाएंगे। इस साइड भी हम सीधा कर देंगे लाइन को। हमारी दोनों साइड फिटिंग का निशान लग चुका है। हम सीधा करेंगे पहले इसको, सीधा करके हम एक बराबर करते हुए थोड़ा मार्जिन लेंगे और सिलाई लगा देंगे पूरे पे साइड। हम इसको उल्टा कर लेंगे, उल्टा करते हुए हम फिटिंग जो हमारी निशान लगा है उस पे हम सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगा देंगे हम इसमें। हमारी फिटिंग एक साइड लग चुकी है, दूसरी साइड हम जिपर लगाएंगे। तो हमने ये 2 इंची का निशान लगा लिया है ऊपर। हम 2 इंच तक फिटिंग लगाएंगे इसमें और नीचे की साइड जिपर लगाएंगे। हम सही से इसमें टांकी लगा देंगे इससे कि ये खुले ना। जो खुला हुआ हिस्सा है उसमें हम जिपर लगाएंगे। सही से हम निशान लगा लेंगे इसमें दोनों साइड। हम जिपर पे भी निशान लगाएंगे, जितनी हमें दबानी है उतनी। पीछे वाले पल्ले पे हम जिपर को उल्टा रखते हुए सिलाई लगाएंगे इस पे। सही से बिठाते हुए पूरे साइड पे हम जिपर लगा देंगे। ये हमारे बैक वाले पल्ले में जिपर लग चुकी है, अब हम फ्रंट वाले पल्ले में भी जिपर लगाएंगे ऐसे ही ऊपर से।
हम इसे अंदर की साइड पलट देंगे, जिस पर जो हमारी एक्स्ट्रा थी उसको हमने निशान लगाया था वहीं से। ये हमारी जेपर लग चुकी है ब्लाउज में एकदम सिंपल तरीके से। देखिए हमारा ब्लाउज बनके तैयार हो चुका है। आपको ब्लाउज की फिटिंग और कटिंग कैसी लगे एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखिए जेपर एकदम फिनिशिंग से लगी है और कट स्लीव ब्लाउज बनाया है मैंने। आप एक बार कमेंट में प्लीज़ गाइस ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी।